वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरसीबी के टारगेट प्लेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा डिमांड निकल के आ रही है आरसीबी के फैंस की कि आरसीबी की टीम कौन कौन से ऐसे प्लेयर को टारगेट करती हुई नज़र आ सकती है जो देखा जाए आरसीबी टीम के लिए कैप्टनसी कर सकते हैं या फिर आरसीबी टीम के लिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ सकते हैं। देखिए सबसे पहला नाम निकल के आ रहा है ऋतुराज गायकवाड़ का। अब देखिए ऋतुराज गायकवाड़ आप लोग बोलोगे सीएसके टीम के कैप्टन है, आप पागल हो गए हो क्या कि ऋतुराज गायकवाड़ कैसे आ जाएंगे आरसीबी की टीम में। देखिए सीधा सा लॉजिक ये निकल के आ रहा है कि जो सीएसके की मैनेजमेंट वो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत संजू सैमसन को अपनी टीम में ट्रेड करवाना चाहती है। अगर उन दोनों में से कोई एक ट्रेड हो जाता है यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ को वो रिलीज कर देंगे और फिर ऋतुराज गायकवाड़ आरसीबी की टीम में आ सकते हैं मेगा ऑक्शन में। तो मेरे हिसाब से आरसीबी को एक अच्छा खासा टॉप ऑर्डर का बैट्समैन मिल जाएगा जो विराट कोहली के साथ ओपनिंग करता हुआ नजर आ सकता है। तो आप लोग बताइए आपके हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ क्या आरसीबी की टीम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे और आएंगे तो कितना प्राइस मेगा ऑक्शन में जा सकता है 15 करोड़ 13 करोड़, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे प्लेयर की कि दूसरा प्लेयर कौन सा प्लेयर रहेगा जो देखा जाए आरसीबी टीम में आ सकता है, तो रिसेंटली अभी एबीपी न्यूज ने देखा जाए मुझे याद है इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट डाली थी वहां पे ये बताया था कि सूर्य कुमार यादव आप लोगों को आरसीबी की टीम में आते हुए नजर आएंगे। उन्होंने एक ट्रेड का देखा जो कुछ लिखा था कि ट्रेड हो रहे हैं सूर्य कुमार यादव आरसीबी की टीम में। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर कोई इतना बड़ा न्यूज चैनल देखा जाए ये अपनी पोस्ट डालता है वो भी इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ बात तो होगी। और अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो आप लोग समझ सकते हो कि सूर्य कुमार यादव आप लोग समझ सकते हो कि इंडिया का मिस्टर 360 आप लोग को आरसीबी की टीम में आता हुआ नजर आ सकता है। एक टाइम पे एबी डिविलियर्स आप लोग को आरसीबी की टीम में आते हुए नजर आए थे और मेरे हिसाब से 10 या 9 साल तो उन्होंने आरसीबी के लिए खेला ही था। तो मेरे हिसाब से अगर सूर्य कुमार यादव भी आ जाते तो वो भी आरसीबी टीम के मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे और फिर आरसीबी टीम बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाएगी क्योंकि इनके मिडिल ऑर्डर में रहेंगे रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, विल जैक्स और फिर सूर्य कुमार यादव का भी नाम जोड़ लीजिए। और वहीं पर कैप्टनसी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी टीम हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लाना चाहते हैं क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या अच्छी खासी कैप्टनसी कर सकते हैं। आप लोग को मालूम है कि उन्होंने देखा जाए गुजरात को एक ट्रॉफी जितवाई हुई है, वो भी पहले ही सीजन में देखा जाए अपनी टीम को ट्रॉफी जितवा दी। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी हार्दिक पांड्या के अंदर है। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, ये सब अगर एक टीम में हो गए तो आप लोग खुद बताइए कि इस टीम को कौन सी ऐसी टीम रहेगी जो हरा पाएगी। मेरे हिसाब से वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे खतरनाक टीम ये तैयार होने वाली है क्योंकि आरसीबी टीम के पास ऑलराउंडर्स अगर आप देखोगे तो विल जैक्स होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, कैमरन ग्रीन होंगे। पावर हिटर की बात करोगे तो अच्छे खासे पावर हिटर इस टीम के पास है। वहीं पर लीडर की बात करोगे तो यहाँ पे विराट कोहली जैसा बड़ा लीडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकती है। बाकी आप लोग बताइए कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आरसीबी की टीम में आ सकते हैं, कमेंट में जरूर बताना।